ऑनलाइन आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करने के लिए आप इसी पेज पे आएंगे, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद अपडेट आधार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है, उसको यहाँ पर डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने में इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं और फिलिप आधार कार्ड पर क्लिक करके आधार कार्ड का बैक साइड देख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहीं से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। चलिए हम आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप चूज़ करेंगे किस में करेक्शन करना चाहते हैं। अगर आपको नेम में करेक्शन करना है तो नेम को चूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको जेंडर में करेक्शन करना है तो जेंडर को चूज़ करेंगे, या फिर अगर आप एड्रेस को करेक्शन करना चाहते हैं तो एड्रेस को चूज़ करेंगे। चलिए हम एड्रेस करेक्शन करेंगे, उसके लिए हम एड्रेस चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपना करंट एड्रेस जो अभी आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और केयर ऑफ में फादर नेम डालेंगे, या फिर अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं, यहाँ लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउस बिल्डिंग या अपार्टमेंट नेम डालेंगे, यहाँ पर रोड स्ट्रीट या लेन, एरिया लोकेलिटी या सेक्टर। उसके बाद अगर कोई लैंडमार्क है तो उसको यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर करेंगे और आपके सामने में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, और यहाँ से विलेज टाउन या सिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो उसको मैनुअल अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डिजी लॉकर से फेच भी कर सकते हैं। चलिए हम मैनुअल अपलोड करेंगे, उसके लिए यहाँ से आप चूज़ करेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे अर्म लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसान फोटो पासबुक, वीसा, वोटर कार्ड, वाटर बिल। चलिए हम इसमें से पासबुक अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी रखा हुआ उसको सेलेक्ट करके उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार अच्छे तरह से देख लेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद अब यहाँ से ₹50 का पेमेंट करना होगा, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे पेटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। चलिए हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कार्ड चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना 16 डिजिट का कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर CVV डालेंगे और यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट। सबमिट करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे और इसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इसमें आपका पुराना एड्रेस और नया एड्रेस दोनों प्रिंटेड है। आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन होने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट किया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप दिस लाइक वीडियो। थैंक्स।